11th फिजिक्स में चैप्टर 9 के अंतर्गत आज हम देखेंगे यंग मॉड्यूलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक जिसे कहते हैं उसे पूरा समझने का प्रयास करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे। आइए, यंग गुणांक या यंग मॉड्यूलस क्या होता है? जो बात हम जानते हैं वो ये है कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है या नॉर्मली प्रत्यास्थता गुणांक को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के लिए कि कोई भी अगर द्रव्य है और उसके कम विरूपण के लिए जो उसकी आनुपातिक सीमा है, ठीक है ना, वो आनुपातिक सीमा कहाँ होती है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही होती है। तो उसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो उस द्रव्य का यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक या यंग गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात तो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, लेकिन अगर इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात दे दें तो फिर हम कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। पिछले वीडियो में हमने बहुत विस्तार से इन चीज़ों को समझा है। तो चलिए, अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब तो ये हुआ कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल वाई से। तो अब यहाँ से हम इसको समझना शुरू करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई तार है जिसको आप द्रव्य शब्द जो इस्तेमाल किया, ये बहुत व्यापक शब्द है, यहाँ द्रव्य से अभिप्राय एक तार हो गया, है ना, किसी ठोस का ठोस तार हो गया, है ना, द्रव्य में तो सब आता है, ठोस, द्रव, गैस वगैरह सभी। तो ये एक आपने तार ले लिया और इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कैपिटल एल थी, उस पर आपने एफ बल लगाया, एक दृढ़ आधार से इसको बांध दिया और फिर आपने इस पर एक विरूपक बल लगाया, और विरूपक बल लगाने से इसकी लंबाई में जो चेंज आया वो क्या हुआ, मतलब उसकी लंबाई जो है कैपिटल एल से एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो ऐसे में हमने कहा कि हमने एक बेलन के एक सिरे को या एक तार जो है बेलनाकार तार था उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से कस दिया और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद सपोज हमने माना हुआ है कितना है, कैपिटल ए है, तो उसकी लंबवत दिशा में हमने एफ बल लगाकर उसको तानित किया। अगर हम चाहते तो इसको संपीड़ित भी कर सकते थे, लंबाई में फिर यहाँ कमी हो जाती, एल माइनस डेल्टा एल हो जाती, तब भी परिवर्तन तो वही रहता डेल्टा एल, ठीक है ना। तो ऐसे में अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, तो हमें पता है कि जो प्रतिबल है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल जो है आपका एफ है और क्षेत्रफल जो, क्योंकि प्रतिबल हम जानते हैं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसको प्रतिबल कहते हैं। तो ए अनुप्रस्थ परिच्छेद पर एफ बल लग रहा है तो प्रतिबल हो जाएगा एफ अपान ए, तो ये आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया एफ अपान ए। इसी प्रकार से विकृति क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य विकृति मतलब क्या हुआ, यहाँ लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात। अब लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी है एल, तो ये हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपान एल, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, परिवर्तन मतलब चेंज, तो यहाँ एल तो ऑलरेडी था ही, अब चेंज कितना हुआ डेल्टा एल का, तो ये लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात हो गया। अब हम अगर यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक लेते हैं तो ये हो जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, जैसा कि यहाँ लिखा है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना है, एफ अपान ए है, अनुदैर्ध्य विकृति का मान कितना है, डेल एल अपान एल है, तो यहाँ आपने लिख दिया। अब देखिए ये एल ऊपर चला जाएगा और ए के साथ डेल एल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एफ एल अपान ए डेल एल, और यही आपके यंग गुणांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक का सूत्र है। अब अगर इसको आप परिभाषित करना चाहते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को डिफाइन भी कर लीजिए फिजिक्स में, डेफिनेशन उसकी क्या बनाना चाहेंगे, तो ऐसे में आपको पता है कि जब इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि ये ए को ले लीजिए एक, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ले लीजिए इकाई, ठीक है, और डेल एल को एल के बराबर कर दीजिए, मतलब ये हुआ कि जितनी प्रारंभिक लंबाई थी उतना ही लंबाई में परिवर्तन हुआ, मतलब लंबाई दुगुनी हो गई, ऐसा मान के चल रहे हैं, है ना। तो फिर ऐसे में क्या होगा, डेफिनेशन बनाने के लिए कर रहे हैं हमेशा कि जितनी प्रारंभिक लंबाई थी उतना ही लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो डेल एल को आप एल के बराबर कर दीजिए, मतलब लंबाई क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो फिर ऐसे में वाई बराबर बचेगा एफ। तो परिभाषा क्या बनी कि पदार्थ के जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग गुणांक है, उसका आंकिक मान उस बल के बराबर होगा जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार की लंबाई को क्या कर दे, दुगुना कर दे। देखिए लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई बराबर है, मतलब लंबाई क्या हो गई, दुगुनी हो गई। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, उस बल के बराबर होगा जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार की जो लंबाई है उस लंबाई को क्या कर दे, दुगना कर दे। और ये किस में होगा, कम विरूपण के लिए, आनुपातिक सीमा में होगा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। अब अगर इसका आप एसआई मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखना चाहें, जैसा कि एग्जाम में लिखना भी चाहिए, तो एसआई मात्रक इसका वही होगा जो प्रतिबल का होगा। क्यों, क्योंकि जो विकृति का तो कोई मात्रक भी नहीं होता और विमा भी नहीं होती,
तो जो प्रतिबल बटे विकृति है, तो चूंकि ये विमाहीन है मात्रकहीन है, तो जो प्रतिबल का मात्रक और विमी सूत्र होगा वही यंग मापांक का होगा। तो प्रतिबल का क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही हो गया। और विमी सूत्र वही जो प्रतिबल का होगा, तो फिर प्रतिबल के लिए देखिए बल का एमएलटी माइनस टू होता है और अपान एल स्क्वायर हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, नीचे एक एल बचा ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस वन बनेगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रतिबल का ही है। ठीक है,